आज की ब्लॉग में एक ऐसा जुगाड़ बताने वाली हूँ जिसको देखने के बाद आप फटाफट से उस जुगाड़ में जुट जाइएगा। बहुत ही खास है आज की ब्लॉग सभी के लिए। शुभ नवरात्रि मेरे करछी से कलम तक के परिवार के सभी सदस्यों को। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा पाठ और सारी चीज़ों को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भी डेली बेसिस पे आपसे नवरात्रि की अलग अलग रेसिपीज़ और सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो आज की ब्लॉग में क्या है खास? आज की ब्लॉग में खास ये है कि शादी में जो हमें कपड़े मिलते हैं या शादी का जो बक्सा होता है उससे हर लड़की का एक अलग ही लगाव होता है। वैसे तो मायके से मिली हुई कोई भी चीज़ से अलग ही लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, लेकिन जो शादी का बक्सा होता है ना वो सबसे खास होता है। और उसमें जो साड़ियाँ भरी होती हैं वो आउट ऑफ फैशन भले हो जाए लेकिन वो साड़ियाँ हम कभी भी इधर उधर नहीं करते हैं, उन साड़ियों को बहुत अच्छे से रखते हैं। बाद में हालांकि कई साल बाद शादी के लगता है कि ये बॉक्स की जो साड़ियाँ हैं ये तो बिल्कुल चमक धमक वाले, अभी इस उम्र में क्या पहनेंगे। तो मैं आज आपको शादी के बक्से में रखने वाली साड़ियों से रिलेटेड कुछ जुगाड़ बताने वाली हूँ कि कैसे उन साड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरह से ड्रेसेस बना करके, और साथ ही साथ किस तरह से शादी के बक्से में कपड़ों को रखें कि आप कितनों सालों तक भी रखिएगा ना वो कपड़े ख़राब नहीं होंगे, चमकते रहेंगे और आपका वो लगाव भी वैसा ही चमकता रहेगा जैसे वो कपड़े चमकते रहेंगे। इसके अलावा और भी खाने पीने की रेसिपीज, कुछ इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आज की ब्लॉग में। तो ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि ब्लॉग पूरी देखने के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें आज जानने और सीखने को मिली। आप आज क्या ऐसा करने वाले हैं जिससे आपको बहुत अच्छी सी सुकून सी नींद आए? क्या एक छोटा सा भी काम पॉजिटिव करने वाला है तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, चाहे व्हाट्सएप पर करिए चाहे नीचे कमेंट सेक्शन में करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। तो सुबह उठ करके घर और पूजा रूम की सफाई करने के बाद, नाश्ता बनाने के बाद, नहा धो करके मैं बैठ गई हूँ सप्तशती का पाठ करने और साथ ही कवच और क्षमा प्रार्थना और दुर्गा चालीसा। ये सारा पाठ और सारी चीज़ें मैं भले ही अकेले कर लेती हूँ लेकिन मुझे आरती जो मैं करती हूँ दोनों टाइम, तो मैं अपने बेटे के साथ ही करती हूँ। तो कवच और सारा ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत कर खबर लाई सुर नर मुनि जन से। एक हाउसवाइफ को सबसे ज़्यादा लगाव, अटैचमेंट अपनी गृहस्थी से होता है। गृहस्थी के छोटे छोटे सामान से लेके बड़े बड़े फर्नीचर तक में सभी चीज़ों से वो दिल से जुड़ी होती है, और जब वो गृहस्थी उजड़ने लगती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। खासकर जिसका वो घर होता है, यानी जो होम मेकर होती हैं, जो घर को संभालती हैं, उनके लिए बहुत ही टफ हो जाता है। मेरे लिए भी अभी बहुत टफ है क्योंकि मेरी गृहस्थी उजड़ रही है। क्यों उजड़ रही है, क्या हो रहा है, ये मैं आपको अगली ब्लॉग में बताऊँगी। फिलहाल पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद घर के कुछ और एक्स्ट्रा काम थे, मशीन में कपड़े लगाने और जो भी एक्स्ट्रा काम होते उन सब करके मैं किचन में आ गई खाना बनाने। आज खाने में बना रही हूँ मसूर के छिलके वाली दाल, प्याज और सरसों का तेल डाल के बनाती हूँ। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और सरसों का तेल और गरम मसाला डाल के साथ ही बना रही हूँ बोड़ा आलू की हल्दी मिर्चा लहसुन की सब्जी। हल्दी मिर्चा लहसुन को एक साथ पीस करके वो बोड़े की सब्जी बनाई है सूखी, जिसको बरबट्टी भी कहते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। साथ में चावल और चुकंदर और गाजर का सलाद, क्योंकि चुकंदर और गाजर का कॉम्बिनेशन बहुत फायदेमंद होता है। बच्चों को जो हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है और लेडीज को तो जरूर ही खाना चाहिए। वो आपको अगर टेस्टी बनाना हो तो चुकंदर गाजर के सलाद में ना आधा नींबू का रस और नमक काली मिर्च डाल करके खाइएगा तो बहुत टेस्टी लगता है, वरना ज्यादातर लोगों को तो चुकंदर का स्वाद अच्छा ही नहीं लगता है। तो इस तरह से मेरा खाने वाला आज थोड़ा सा सिंपल रहा क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं अपने शादी के बक्सा खोल करके साड़ियाँ सारी निकाल लिया मैंने, और ये सारी साड़ियाँ मेरी शादी की हैं। उसके बाद से मैंने साड़ियाँ मैक्सिमम मुझे लगता है एक या दो ही खरीदी होंगी या किसी ने गिफ्ट की होगी, बाकी सब शादी के बक्से में आई थी। शादी का लहंगे से जुड़े कुछ जुगाड़ बताऊँगी, पुरानी साड़ियों के इस्तेमाल से रिलेटेड कुछ जुगाड़ बताऊँगी आपको, और साथ ही साथ आपको ब्लाउज से रिलेटेड भी बहुत अच्छा एक जुगाड़ बताने वाली हूँ। तो आज के इस ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारे ऐसे जुगाड़ वाली चीज़ें मिल जाएंगी करने को जिसके बाद आपका शादी वाला बक्सा को एक नया मेकओवर हो जाए मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर।
तो आज मैंने खोला है अपने शादी वाला बक्सा, और शादी में मिले जो मम्मी पापा से बक्सा मिलता है उससे कितना लगाव हर लड़की को होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। इस बक्से का इस्तेमाल मैं सिटिंग अरेंजमेंट यानी सोफा के तौर पर करती हूँ, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, बहुत ही सुंदर लगता है वो। और आज मैं सारी साड़ियों को निकाल रही हूँ, धूप दिखाऊंगी इन साड़ियों को। सबसे पहले मैंने ये ज्वेलरी बॉक्स खोला जिसमें सारी ज्वेलरी शादी के समय की है, और मैंने इसको कपड़े में लपेट के रखा है। देखिए इसकी शाइनिंग 10 साल में भी बाद भी वैसी ही चमकती हुई है। ये छोटी सी टिप्स है कि अगर आप कोई भी ज्वेलरी रख रहे हैं ना तो उसको कपड़े या रुई में लपेट के रखेगा तो उसका शाइनिंग वैसे का वैसे बना रहेगा। इसके बाद ये मेरे शादी का लहंगा है, मैंने लहंगा रेड कलर का नहीं लिया था ताकि मैं बाद में भी इस्तेमाल कर सकूं। और ये मैंने लहंगे से के लिए अलग से दुपट्टा डिजाइन करके सिला है, नेट का दुपट्टा है, लाल नारंगी और हरा और टिक्की और गोटा लगा करके मैंने ये लहंगे के लिए तैयार किया था, ताकि दांडिया वांडिया में मैं इसे पहन लेती हूँ और लहंगा मेरा रीयूज हो जाता है। और साथ ही साथ ये ब्लाउज भी बना लिया था, तो ये ब्लाउज और ये दुपट्टा जो है ये लहंगे का एक्स्ट्रा है जो मैंने बाद में इसे डिजाइन करके सिला है, ताकि मैं लहंगे का बार बार इस्तेमाल कर सकूं। क्योंकि क्या होता है ना, ज्यादातर लेडीज रेड कलर का लहंगा लेती है और उसको फिर से नहीं पहन पाती, तो मैंने ना मल्टी कलर का लहंगा लिया था, और हर साल मैं एक बार किसी ना किसी फेस्टिवल में उसको पहन ही लेती हूँ। और मेरे लहंगे के साथ का जो ब्लाउज दुपट्टा है वो तो इस्तेमाल करती हूँ, साथ ही साथ एक्स्ट्रा ब्लाउज या दुपट्टे के साथ भी मेरा लहंगा चल जाता है। मैं आपको अपना लहंगा दिखाती हूँ, ये मरून कलर का दुपट्टा है, ऑरेंज ब्लाउज है, और लहंगे में मरून है, गोल्डन है, ग्रीन है, ऑरेंज है, कई कलर है, तो कई तरह से ये चल जाता है। तो आप भी अपने शादी के लहंगे को साल में एक बार जरूर निकालिए, इस्तेमाल करिए और फिर पॉलिश करा के रखिए, तो देखिए कितना भी साल हो जाएगा ना वो लहंगा पुराना नहीं होगा और आपकी मेमोरीज भी ताज़ा होती रहेंगी। इसके बाद ये मेरे रिसेप्शन की साड़ी है, इसमें स्टोन वर्क है इसलिए मैं इसको तौलिए में लपेट के रखती हूँ। तौलिया भले गंदी हो जाए पर ये साड़ी का स्टोन वैसे ही चमकता रहता है। 10 साल में साड़ी ऐसी ही चमक रही है, हर साल एक बार इसको निकाल लेती हूँ, या तो पॉलिश करवा लेती हूँ या धूप दिखा देती हूँ। और अब मैं जल्दी इस साड़ी का एक डिज़ाइनर लहंगा सिलने वाली हूँ, और अभी जो लेटेस्ट डिज़ाइन चल रहा है ना वैसा ही सिलूंगी। इसमें नीचे एक किनकिन लगा करके बहुत सुंदर डिज़ाइन सोचा है, जब भी सिलूंगी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो आपके पास भी कोई इस तरह की हैवी स्टोन वर्क वाली साड़ी पड़ी हो और आप उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं पहन पाती है, तो प्लीज़ मेरे सजेशन मानिए, आप उसका लहंगा सिलवा लीजिए और किसी भी फेस्टिवल में पहनिएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी शादी की चुनरी है जो कि हम हमेशा ओढ़ते हैं। ये वो ड्रेसेस हैं जो मैंने साड़ी को कट करके सिला है, जैसे कि फ्रॉक, अनारकली सूट, जैकेट वाला सूट, लॉन्ग लेंथ वाला, और आगे से ओपन अनारकली सूट, फ्रॉक, तो आप देख सकते हैं। और ये वो डिज़ाइन है जो मैं आने वाले टाइम में सिलने वाली हूँ, मैंने नेट से उठाया है ये डिज़ाइन आपको दिखाने के लिए। तो क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे ये मेरे पास बंदेज ही मैंने डिज़ाइन क्यों निकाला है, तो इसकी सीक्रेट मैं आपसे आगे खोलूंगी। और ये वो साड़ियाँ जो मेरे शादी के बक्से में मिली थी, और मैं हर फेस्टिवल में इसको पहनती हूँ और फिर इसको ड्राई क्लीन करा के या धुल के वापस से बक्से में रखती हूँ, ताकि पहले। ये रेड एंड ग्रीन बनारसी साड़ी है, ये मैंने बनारस से लिया था शादी के टाइम में, बहुत ही सुंदर, और मैं बहुत सारे फेस्टिवल्स में इसको स्पेशली पूजा पाठ में, मैं ज़्यादातर साड़ियाँ पूजा पाठ में ही पहनती हूँ, उस पर पहन चुकी हूँ, और अलग अलग तरह से पहनती हूँ, अलग अलग ब्लाउज पे, कभी हरे ब्लाउज पे पहन लिया, कभी रेड ब्लाउज पे, कभी गोल्डन पे, और कभी इसके खुद के ब्लाउज पे। इसके बाद ये है नेट की साड़ी, जिस समय मेरी शादी हुई थी उस समय नेट बहुत ज़्यादा फैशन में था, और ये सीमर का इसका ब्लाउज है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल हरे ब्लाउज पे, गोल्डन ब्लाउज पे, रेड एंड ग्रीन ब्लाउज पे भी कर लेती हूँ, और ये बहुत सुंदर लगता है, इसकी भी मैं फ़ोटोज़ आपसे शेयर करूँगी। ये है कोलकाता स्टाइल की साड़ी, जो वाइट पूरी होती है और नीचे रेड बॉर्डर होता है, तो इसको मैं पॉलिथीन में करके रखती हूँ ड्राई क्लीन कराने के बाद, क्योंकि ताकि इसका ऑफ वाइट कलर जो है ना वो ख़राब ना हो, और दुर्गा पूजा और उसमें इसको पहनती हूँ। और ये साड़ी मैंने स्पेशली खरीदी थी तीज के टाइम के लिए, इसकी भी फ़ोटो मैं आपसे शेयर करूँगी। ये है बुटीक की डिज़ाइनर साड़ी, ये किसी उसमें मैंने किसी शादी में किसी ख़रीदा था ये, और ये इसका बहुत अच्छा डिज़ाइनर सा ब्लाउज़ है, ये ऊपर से पैच वर्क, ये पैच लगाया हुआ है, और इसमें ना बहुत सारे कलर हैं साड़ी के बीच में, अलग अलग कलर्स के हैं। देखिए अब तो इसका ब्लाउज़ का कपड़ा बहुत कम था और मुझे 3/4 पहनने की आदत है, तो मैंने क्या किया, ब्लाउज़ का मेन जो कपड़ा था उसका इस्तेमाल कर लिया, और साड़ी जिस कलर की बीच में उस कलर का ऐसा कपड़ा ले करके इसमें बाहीं लगवा लिया, और साड़ी का ही अंदर का छोटा सा पतला सा टुकड़ा काट करके इसका बॉर्डर लगवा लिया, क्योंकि साड़ी की लेंथ ज़्यादा होती तो आप साइड से निकाल सकते हैं इस तरह से बॉर्डर के लिए, एक लेयर लाइन निकाला तो उससे ये बॉर्डर लग गया, तो ये अब एकदम साड़ी के मैच का ये ब्लाउज़ लगता है। तो थोड़ा सा ये सब जुगाड़ जो है ना ब्लाउजेज़ में चल जाते हैं, खासकर मेरा क्या है कि 3/4 बाहीं ही पहनती हूँ। इसके बाद ये है कॉटन, प्योर कॉटन साड़ी, बहुत सिंपल सी साड़ी है, इसके भी ब्लाउज़ में कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने अलग से ही रेड कलर का कपड़ा लेकर के और वही बॉर्डर निकाल करके इसका बॉर्डर लगा दिया, ताकि ये इसी साड़ी का ब्लाउज़ लगे, बस बॉर्डर लगा देने से ना लगता है कि हाँ इसी का मैचिंग ब्लाउज़ है। सेम यही ये वाली जो साड़ी है ये मेरी
चाची की साड़ी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी यादगार के तौर पे मैंने ये साड़ी रखी हुई है। तो इसका ब्लाउज उनके नाप का था, तो मुझे इसको अपने नाप का करना था, तो मैंने अलग से ये कपड़ा लिया मरून, और उस ब्लाउज का, उनके नाप का जो ब्लाउज था उसका बॉर्डर निकाल के इसमें लगा दिया। अब ये साड़ी, ये ब्लाउज जो लगता है ना, कि लगता है इसी साड़ी का, उस ब्लाउज से कुछ टुकड़े कट करके निकाल करके मैंने इसको आगे, देखिए आप इसका डिज़ाइन देखिए, ये जो डिज़ाइन है, ये देखिए साड़ी का ये डिज़ाइन है। तो वो चाची का जो ब्लाउज था उसमें से कुछ कटिंग निकाल लिया मैंने, क्योंकि वो ब्लाउज तो वैसे भी यूज़ नहीं होता, और इसमें ये कोटी वाला डिज़ाइन दिलवा दिया, और इससे क्या हुआ, ये साड़ी इसके साथ ये ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट जाता है। और ये सारा जुगाड़ मैंने 8-10 साल पहले ही किया था, अब तो बहुत सारे और भी तरह तरह के जुगाड़ आ गए हैं। इसके बाद ये ग्रीन कलर की साड़ी है, जॉर्जेट की साड़ी है, गोल्डन बॉर्डर है, और इसके साथ का ब्लाउज इसके साथ का पूरा कंप्लीट हो गया था, बॉर्डर अच्छे से नॉर्मल। ये एक बनारसी साड़ी है, मुझे शादी में मेरे ससुराल के साइड से मिला था, तो इसका ब्लाउज पीस नहीं है, तो मैंने इसके लिए सिल्वर ब्लाउज सिलवा लिया, क्योंकि सिल्वर सब पे चल जाता है। ये साड़ी मेरी चाची की है, शादी में मुझे मिला था चाची की, मतलब जो मेरी चाची नहीं है ना, उनकी तरफ से मैंने ये, और इसको मैं अक्सर फेस्टिवल्स में पहनती हूँ, लेकिन इसका भी वही पंगा था कि इसका ब्लाउज मेरे पास नहीं था, क्योंकि वो चाची के नाप का था। तो मैंने ये रानी कलर का सिल्क से जैसा कपड़ा एक ले लिया, और उसमें हरा पाइपिंग लगवा दिया, क्योंकि ये साड़ी में हरे रंग का बॉर्डर है। इसका चाची की साड़ी का जो वो था, एक साइड से बॉर्डर निकलवा के इसमें बॉर्डर लगवा दिया, तो इससे क्या हुआ कि अब ये लगता है कि बस इसी के साइड, इसी के साथ का ये ब्लाउज़ है। देखिए ये जुगाड़ भी काम करता है ना। तो अब मैं आ रही हूँ अपनी शादी स्पेशल शॉपिंग। जब मैंने मेरी शादी हुई थी ना, उस समय फैशन में बंधेज था, राजस्थान वाला जो बंधेज पेंटिंग होता, तो इत्तेफाक से मेरी सारी साड़ियाँ बंधेज ही हुई। ये भी राजस्थान के बंधेज का, ये मल्टी कलर की है, ये भी बंधेज है, इसमें भी अंदर कई कलर हैं, ये हरे रंग का बंधेज। ये सब मैं पॉलिथीन में ही करके रखती हूँ, बाकी सबको भी मैं पॉलिथीन में ही करके रखती हूँ, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए निकाल लिया, और थोड़ा इसको हवा दिखा दूँगी, धूप दिखा दूँगी, फिर वापस से पैक कर दूँगी। तो ये भी बंधेज है, ये भी ऑलमोस्ट बंधेज ही है, इसको तो बहुत अलग अलग तरह से पहनने में बहुत अच्छा लगता है, और मैं सोच रही हूँ अब इसका जल्दी कोई ड्रेस सिलने के लिए। ये मेरे शादी के समय पियरी है, जो पियरी पहनती हैं दुल्हन, और ये भी बंधेज है। ये मेरी विदाई की साड़ी है, ये भी बंधेज है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास बंधेज का कितना कलेक्शन, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पास और भी बंधेज, शादी के समय की जितनी शादी साड़ियाँ हैं सब बंधेज थी। तो मैंने बहुत सारे ड्रेसेस उससे सिले हैं, मैं आपसे अभी उसकी फ़ोटो शेयर करूँगी। फिर इसके बाद ये साड़ी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, अपनी मम्मी को गिफ्ट दिया था, बट ऑनलाइन आने के बाद, उस समय मतलब 8 साल पहले की बात है, ऑनलाइन तो इतना आइडिया नहीं था ऑनलाइन शॉपिंग का, तो बहुत सारे कलर्स लगे इसमें, तो मम्मी को लगा इतना ज़्यादा कलर्स नहीं पहन सकती वो, तो ये मैंने रख लिया। इसका भी ब्लाउज मैंने वही जुगाड़ करके सिलाया, साड़ी को अंदर से थोड़ा सा निकाल लिया था, और उसको फुल बाही करने के लिए ये यहाँ लगा दिया, ताकि ये इसी का ब्लाउज लगे, और ये बॉर्डर यहाँ लगा दिया है। तो ये थोड़ा सा, ये जो जुगाड़ है ना, ये हर हाउसवाइफ कर लेती है अपने हिसाब से, और मेरे साथ 3/4 बाही का, ये भी मेरी शादी की साड़ी है, इसको कहते हैं लक्ष्मीपति साड़ी, शिफॉन में है। बाकी शादी का लहंगा मैंने आपको दिखा दिया, शादी के लहंगे का एक्स्ट्रा ब्लाउज और दुपट्टा जो मैंने बनाया वो भी दिखाया। ये मेरे रिसेप्शन की साड़ी है, इसका मैं जल्द ही बहुत ही डिज़ाइनर लहंगा सिलने वाली हूँ, जो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरे शादी की चुनरी है, और ये एक्स्ट्रा ब्लाउजेज हैं मल्टी कलर के गोल्डन, जो कि मुझे स्कर्ट्स पे भी बहुत चल जाते हैं, फंक्शन वंक्शन में, दांडिया वंडिया में, और कई साड़ियों पे भी चल जाता है। तो ओवरऑल मेरे पास इतनी साड़ियों का कलेक्शन है, मैं साड़ियाँ कम पहनती हूँ, और त्यौहार त्यौहार में ही पहनती हूँ, लेकिन मैं उसको बहुत ही संभाल करके रखती हूँ। अब रखने में क्या होता है कि आपको ये पहला तो फिनाइल की गोली डाल के रखना होता है, ये तो सभी को पता होगा। दूसरा पॉलिथीन में पैक करके रखिए, और जो वाइट कलर की साड़ियाँ हैं, ऑफ वाइट क्रीम, उसको किसी कपड़े में लपेट के रखिए, और हर 6 महीने पे इसको एक बार खोल करके, या तो पंखे में खुला छोड़ करके रख दीजिए, ताकि इसमें कोई महक ना आए, या फिर इसको कुछ घंटे के लिए धूप दिखा दीजिए, और उसके बाद इसको पैक करिए, क्योंकि शादी का बक्सा जो होता है ना, सभी के लिए बहुत प्यारा होता है। और शादी के बक्से का भी इस्तेमाल मैं कैसे करती हूँ, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर की हुई है, उसका मैं फ़ोटो भेज रही हूँ, लिख इसमें शेयर कर रही हूँ, नीचे लिंक भी दूंगी कि कैसे मैं इस बक्से का सिटिंग अरेंजमेंट करती हूँ, और बहुत सुंदर लगता है मेरा घर जब इस बक्से को सिटिंग अरेंजमेंट में लगाती हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसको कैसे रीयूज़ करना है, अलग अलग तरह के डिज़ाइनर ड्रेस, फ्रॉक, लहंगा, सलवार सूट, अनारकली सूट बनाना, ये सारी चीज़ें मैंने फ़ोटोज़ के थ्रू भी आपसे शेयर कर ली हैं। ब्लाउज सिलाने में क्या क्या चीज़ें आप ट्रिक्स आजमा सकते हैं, अगर बाँह लंबी बनाना है, या किसी की साड़ी का ब्लाउज़ ख़राब हो जाए, तो उसको कैसे फिर नया लुक दे सकते हैं,
और भी छोटी छोटी टिप्स शादी के बक्से से या किसी बक्से से रिलेटेड मैंने आपको बताई, तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और बक्से को सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करना उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के अंत में दे रही हूँ, उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। आप अपने घर में अगर आपके पास बक्सा हो तो उसको सोफे की तरह इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज नवरात्रि के स्पेशल डिश में क्या है वो आपको वीडियो के लास्ट में उसकी लिंक दिखेगी, आप उससे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग रेसिपीज़ हेल्दी टेस्टी तरीके से बना के हम खा सकते हैं। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल के ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।